हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 71 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण हो जाती है। गाइस यहाँ पे है ना, आप लोग के लिए हम PDF टेलीग्राम पे तो दे ही देते हैं, बाकी 24 स्टडी सेंटर के ऐप डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। वहाँ पे टेस्ट सीरीज हम आप लोग के लिए स्टार्ट किए नॉन टेक का, तो 149 में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, प्लस गाइस आपका PDF भी मिल जाएगा जहाँ पे 500 क्वेश्चन होगा, तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। क्लास वगैरह सारा कुछ वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है तो गाइस कॉमेंट कर सकते हैं, बाकी कोई अपडेट वगैरह आएगा तो वो सारा हम अपडेट देते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन गाइस, किस भाषाओं के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का JCB अवार्ड जीता है? तमिल के लिए, कन्नड़ के लिए, पंजाबी के लिए या मारवाड़ी के लिए? आंसर क्या हो जाएगा? तमिल हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। एंड क्वेश्चन टू बात करें गाइस, किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीते हैं पे? तो जॉन होम्स। हालांकि इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? चेतना मारू नहीं होगा यहाँ पे, एंड गैस लुइस भी नहीं होगा यहाँ पे, पॉल लिंच हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ तीसरा क्वेश्चन तो गैस काफी एक महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछ रहे थे, एमी अवार्ड जीतने वाला प्रथम महिला कौन बनी गैस? पोमेला रुक्सा बनी, या निवेदिता वासु बनी, या सादिया बनी है, या एकता कपूर बनी है? आंसर हो जाएगा गैस एकता कपूर हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन फोर देखिए गाइस, किस सुंदरी ने 72 वा मिस यूनिवर्स का 2023 का खिताब जीता है यहाँ पे? तो गाइस यहाँ पे मेरी विल्सन, या श्वेता शारदा, या यहाँ या सेरनियस, या ताहिर खान। देखिए ताहिर खान तो होगा नहीं, ऑप्शन यहाँ पे सी को आप लोग टिक ला लीजिएगा, सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन फाइव बात करिए गाइस, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनल जूरी पैनल का अध्यक्षता किसने किया था यहाँ पे? अक्षय कुमार ने किया था, या अनुराग ठाकुर क्या था, या शेखर कपूर? आंसर हो जाएगा गैस शेखर कपूर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड सिक्स क्वेश्चन देखिए गैस, हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक 50 करने वाला खिलाड़ी बन गया यहाँ पे? तो स्टीवन स्मिथ नहीं हो जाएगा यहाँ पे, हाल ही का इसका आंसर गैस विराट कोहली हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। एंड क्वेश्चन सात यहाँ पे बात करें गैस, सेमी अल्टमैन के स्थान पर नए CEO कौन बनाए यहाँ पे? तो गाइस ग्रेगा ब्रेगा ब्रॉकमैन बना, या सत्य नडेला भी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ए भी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ गाइस क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करें आठ क्वेश्चन है, हाल ही में ICC हॉल ऑफ द फेम में शामिल होना प्रथम महिला गैस क्रिकेटर कौन बनी यहाँ पे? डायना एंडोलोजी बनी, बिल्कुल गैस ऑप्शन, एंड स्मृति मंदाना भी नहीं बनी, एंड गैस सी डी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ गाइस क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करें नाइन क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसको हम बोलते हैं CBI के नए संयुक्त निर्देशक कौन बने गैस? बी चंद्रशेखर बने हैं, या देखिए हाल ही का इसका आंसर गैस बी चंद्रशेखर ही होगा, ऑप्शन बी सी डी नहीं होगा, एंड ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ गैस क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 10, एंड 10 क्वेश्चन है गैस यहाँ पे, पॉलिस्पेक कंपनी दुनिया की पहली CEO नियुक्त हुई है जिसका नाम क्या है गैस? जेनी है, या यहाँ पे बात करें मीका है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? मीका हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 11 बात करें गैस, किस महिला क्रिकेटर ने अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है यहाँ पे? दीप्ति शर्मा को, जो कि भारत से है यहाँ पे, ताहिला को, ऑप्शन गैस ताहिला भी नहीं हो जाएगा यहाँ पे, हीला मैथ्यूज को जो कि वेस्ट इंडीज से, बिल्कुल यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। एंड क्वेश्चन 12 यहाँ पे बात करें, भारत का पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सरीना का डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया था यहाँ पे गैस? अगर मैं इसका आंसर का बात करूँ तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गैस, सर्वानंद सोनेवाल हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी नहीं हो जाएगी, और एस जयशंकर भी नहीं होगा यहाँ पे। 13 का बात करें, 9 नवंबर को भारत ने किस राज्य में अपना स्थापना दिवस मनाया? कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर यहाँ पे बात करने वाला गैस, हाल ही का इसका आंसर गैस उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 14 बात करें, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया यहाँ पे? USA, फ्रांस, जर्मनी, या श्रीलंका? आंसर का अगर मैं बात करूँ गैस यहाँ पे, तो गैस श्रीलंका हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड गैस क्वेश्चन यहाँ पे 15 बात करिए, किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? मुंबई, पंजाब, बड़ौदा, या यहाँ पे बात करें गैस बंगाल? आंसर हो जाएगा गैस यहाँ पे इसका पंजाब हो जाएगा, एंड बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे।
क्वेश्चन 16 यहाँ पे बात करें अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन जिसे बोलते हैं ISA 95 सदस्य कौन बना है, ब्राजील, नॉर्वे, मलेशिया या थाईलैंड बना है। एंड गाइस 16 का अगर मैं आंसर का बात करूँ यहाँ पे तो गाइस मलेशिया बना है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 17 बात करें किस हॉकी टीम ने वुमेन एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है, भारत, जापान, मलेशिया या थाईलैंड। अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ गाइस अपना प्यारा सा भारत जीता है, ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन 18 बात करें भारत का पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त जिसे बोलते हैं CIC कौन बने यहाँ पे, सर्वन मेघावाल बने या जितेंद्र बारवट या हरिलाल सामरिया। बिल्कुल गाइस सी करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड हरिलाल सामरिया हो जाएगा। क्वेश्चन 19 बात करें हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज बन गए यहाँ पे गैस, स्टीफन स्मृति जो कि ऑस्ट्रेलिया से, मोहम्मद नबी। हाल ही का गैस 19 का अगर मैं आंसर की बात करूँ यहाँ पे तो एंजेला मैथ्यूज हो जाएगा जो कि श्रीलंका से, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड गैस क्वेश्चन 20 बात करें किस भारतीय मूल के लेखक ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 में प्रथम बल्लेबाज बने यहाँ पे, मोनिका चौधरी बने या सुशील माथुर बने या नंदिनी दास बने। देखिए हाल ही का मैं अगर इनके आंसर का बात करूँ तो आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंदिनी दास हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। आज का क्वेश्चन थोड़ा सा है अच्छा खासा। क्वेश्चन 21 देखिए गाइस बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था, अमित शाह, राजनाथ सिंह या डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आंसर गाइस डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नौ के 22 देखिए वर्ष 2023 के रोहिणी नायर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, दीनानाथ राजपूत को या राम सिंह माधव को या पुरुषोत्तम शोभित को या मंगल चंद्र राणा को। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, दीनानाथ राजपूत हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ गाइस बाकी आपको टेस्ट सीरीज हो या क्लास हो सारे के सारे आपको इस ऐप पे मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इस नंबर से आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।